कुशाका सिटी का टैंक टू टैंक माइलेज हम नोट करेंगे और सिटी में किन किन कंडीशंस पर चलाएंगे थोड़ा सा वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो ये रही हमारी 1.5 DSG कुशाक रेड कलर। आज कितना भीड़ है ना, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का ना एक फेस्टिवल है पूरा पोरा पोरा, और फिर कल और परसों नहीं है, ट्यूसडे को फिर है इनका फेस्टिवल पीजा। हाँ, तो अभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, काफी भीड़ मच रही है सिटी में, सिटी की तरफ बहुत भीड़ है। अब जो हम जा रहे हैं वहाँ कुछ है कि नहीं है वो देखते हैं। बट अभी ना यहाँ फेस्टिवल में जब बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन हो जाती है दुकानों में, है ना, यहाँ आके थोड़ा सा शांत। ये काली माता का मंदिर है, जय माता शहीद कौशल यादव चौक। एक कालीबाड़ी चौक है, ये काली माता का मंदिर है, काली माई मंदिर है, इसके पास में ही लगा हुआ है। ये देखो यार, शहर में अंदर बाहर हर जगह गाय घूमती रहती है। तो अभी हम काफी टाइम से ना मतलब सिटी से बाहर नहीं निकले हैं, सिटी में और बस सिटी के आउटस्कर्ट्स में ही घूम रहे हैं, और लगभग 330 किलोमीटर गाड़ी हमने सिटी में चलाई है। तो आज देखेंगे कि कितनी माइलेज आई है सिटी ट्रैफिक के अंदर। भूज का चांद भाद्रपद महीने का। तो हमें कुशाक को सिटी में ड्राइव करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो लास्ट ट्रिप हमारी जो लॉन्ग ट्रिप थी, तो उसके बाद से हमने एक भी और लॉन्ग ड्राइव नहीं करी है, और लगभग 330 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुके हैं और हमने उसको शहर में ही चलाया है। तो रायपुर शहर जो है, यहाँ पर भी ट्रैफिक जैम्स वगैरह लगते हैं, लेकिन जो जैसा ट्रैफिक आप NCR रीजन में या बॉम्बे कोलकाता बेंगलोर या फिर कानपुर जयपुर जैसे सिटीज में एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा ट्रैफिक रायपुर में नहीं है। तो इसलिए जो एफिशिएंसी की वैल्यू, सिटी माइलेज की वैल्यू जो आपको दिखेगी, हो सकता है आपको वो ना मिले, लेकिन मेरे ओपिनियन में अगर आप रायपुर जैसी ही सिटी में रह रहे हैं और थोड़ा बहुत लॉन्ग ड्राइव करते हैं वीकेंड्स पे, तो जो वैल्यू हम आपको दिखाएंगे अभी उससे ज़्यादा ही आपको मिलनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमें टैंक टू टैंक माइलेज में सिटी माइलेज हमारी कुशाक की 1.5 DSG की कितनी मिल रही है। और ये गाड़ी आप लोगों ने हमारे व्लॉग में देखा होगा, बबली कम चलाती है, लेकिन फिर भी बबली कभी कभी बीच में चलाती भी है। ये देखिए, इसमें दिखा रहा है सिंस रिफ्यूल हम 335 किलोमीटर्स चल चुके हैं, और अगर हम इसकी आप ट्रैवल टाइम भी देख सकते हैं कि लगभग 14 आवर्स हमने टोटल इन टोटल ड्राइव किया है इन 335 किलोमीटर्स के लिए। और सिंस रिफ्यूल आप इकोनॉमी आप देख सकते हैं 11.2 KMPL। अब हम टैंक टू टैंक फिल करवाएंगे इसे और देखेंगे कि एक्चुअल में क्या जो वैल्यू है वो इससे मैच हो रही है या नहीं। पहले की तरह ऑटो कट वाला मेथड यूज करेंगे, और ये नॉर्मल पेट्रोल है इंडियन ऑयल। ऑटो कट तक फिल करना है, ऑटो कट तक। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 3100 के आसपास का डलना चाहिए। देखिए 3200,
31.05 लीटर्स, तो टोटल 31.05 लीटर्स चल रहा है। तो ये देखिए अभी टैंक फुल करवाने के बाद जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसकी इकोनॉमी जो है अब वो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अब रिफ्यूल के बाद की इकोनॉमी दोबारा कैलकुलेट करेगा। और हमने जो इकोनॉमी कैलकुलेट की है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 31.05 लीटर तेल डला था और 335 किलोमीटर गाड़ी चली थी, तो ये आई है 10.789, यानी कि ऑलमोस्ट 11 के एमपीएल आई है। और गाड़ी के सिस्टम में वो 11.5 के एमपीएल के आसपास दिखा रहा था, यानी कि जो कैलकुलेशन टैंक टू टैंक से आई है जो गाड़ी के सिस्टम में थी वो काफ़ी एक्यूरेट है, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। तो आपने देखा कि जो पोशाक है नॉर्मली हम इसे सिटी में जब ड्राइव करते हैं तो कभी कभी रेड लाइट पे अगर मान लीजिए एक मिनट दो मिनट रुकना पड़ता है तो एसी ऑन ही रहता है, गाड़ी का इंजन भी ऑन रहता है। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी होता है मान लीजिए एक दो मिनट के लिए जल्दी से उधर के कुछ सामान लेना है तब भी गाड़ी ऑन रहेगी विद एसी। और नॉर्मली हम जो हमारी फैमिली है हम तीनों लोग ही चलते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं सिंगल ड्राइव करता हूँ। और मानसून के सीज़न में खासकर और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब एसी यूज़ होता है, आपको पता ही है कि जो ह्यूमिडिटी वाली जो गर्मी होती है उसमें एसी की ज़रूरत पड़ती है। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और ये हमारा तीसरा वीडियो है एक्चुअली एफिशिएंसी का, उससे पहले हमने जो सिटी प्लस हाईवे का किया था उसमें हमें अराउंड 14 की एमपीएल मिली थी, और जो हमने हाईवे पे किया था उसमें हमें 16 से ज़्यादा मिली थी, क्लोज टू 16.5 की एमपीएल मिली थी। और अभी हमने जब सिर्फ सिटी का चलाया है तो ये हमें ऑलमोस्ट 11 की एमपीएल मिली है। तो आप भी बताइएगा कि आप लोगों को पोशाक के लिए क्या एफिशिएंसी मिल रही है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।